टू माय यूट्यूब चैनल आलोक एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो में जो वो आज मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 तक वीडियो पार्ट 1 में हुआ था और वीडियो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था। इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मित्रों इस तरह दिया गया है कि y स्क्वायर से -5y स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपली आप बचपन से ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करके आए हो कि बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? मिनुएंड माइनस सब्ट्रैक्ट इक्वल टू डिफरेंस। अगर इसको आप छोड़ दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन में लूं, सब्ट्रैक्ट 5 from 8, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है 8 से 5 को, तो इसका प्रोसेस क्या है? 8 minus 5 equal to 3, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो ये 8 को हम क्या बोलेंगे? 8 को बोलेंगे मिनुएंड, 5 को बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, एंड ये जो 3 रहा ये रहा आपका डिफरेंस। ठीक है ना, तो ये जो नॉर्मल आप बचपन से इस तरह की सब्ट्रैक्शन करके आए हो, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की का सब्ट्रैक्शन भी कुछ इस तरह की होगा। कैसे होगा देखिए, तो y स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 5 स्क्वायर ये क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। फ्रॉम मतलब जो पहले जो ये रहता है ये मिनुएंड प्लेस में रहेगा, तो y स्क्वायर क्या करना है हमको? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का सिंबल दीजिए और इस टर्म में क्या मिला है हमको? माइनस 5 स्क्वायर, सो वी कैन राइट डाउन माइनस 5 y स्क्वायर एंड पुट अ ब्रैकेट। ओके, देन माइनस ऑफ माइनस, देखिए माइनस ऑफ मतलब इनटू माइनस इक्वल टू क्या होगा? प्लस। यहां पर माइनस इनटू माइनस क्या होगा? प्लस। प्लस इनटू माइनस माइनस, माइनस इनटू प्लस माइनस, प्लस इनटू प्लस इक्वल टू प्लस। ये होता है आपका जो एडिशन, प्लस सिंबल और माइनस सिंबल का जो प्रोडक्ट आता है वो इस तरह के आंसर पाया जाता है। यहां पर क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस मतलब माइनस ऑफ मतलब ये ब्रैकेट का मतलब है इनटू, माइनस इनटू माइनस प्लस 5y स्क्वायर। देखिए y स्क्वायर और 5y स्क्वायर, इधर वेरिएबल क्या है? y स्क्वायर। इधर वेरिएबल क्या है? ये भी y स्क्वायर, यानी कि ये दो जो टर्म आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देता है वो दोनों लाइक टर्म से, तो हम अब ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 6 5 प्लस, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। 5 प्लस 1 क्या होगा? 6, जो वेरिएबल है 6y स्क्वायर। ठीक है, इस तरह की आपका सब्ट्रैक्शन प्रोसेस जारी रहेगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 का B2, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। फ्रॉम मतलब ये रहेगा मिनुएंड के साइड में, तो -12xy क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 6xy, -12xy -6xy। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, -12xy इसको थोड़ा अगर हम इस तरह लिखेंगे और भी आसान हो जाएगा। देखिए ठीक है ना, मैंने 5 रुपीज उधार लिया और 10 रुपीज उधर लिया, तो कुल मिला के कितना पैसा उधर किया? हाँ, 15 रुपीज ना। तो ये -12xy -6xy, तो ये दोनों का अगर हम मिलाप करेंगे, ये दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -18xy। ठीक है, -12 plus of -6 यानी कि -6, -12 minus 6 -18, जो वेरिएबल है xy वो उसके बाद हम लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई देखिए, क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई में क्या दिया गया है? ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, तो a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? a प्लस बी से। तो पहले कौन आएगा? a प्लस बी आएगा, a प्लस बी माइनस इधर ब्रैकेट दीजिए a माइनस बी।
ठीक है। अब ये ब्रैकेट को मुझे ओपन करना है, इसके बाद a प्लस बी माइनस इंटू प्लस माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट टू राइट a और माइनस a कैंसिल हो गया, यानी कि a माइनस a जीरो होगा, तो अब क्या बचा प्लस बी ये मिला के क्या हो जाएगा टू बी प्लस बी प्लस बी। ये दो तो लाइक टर्म्स है, जिसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा क्या टू बी। अब आई बी की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है कि a होल इनटू b माइनस फाइव, यानी कि a जो वेरिएबल है वो b माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है। उसके बाद क्या करना है, ये तो सब्ट्रैक्शन होगा, किससे सब्ट्रैक्शन होगा ना फ्रॉम b होल इनटू 5 माइनस a, यानी कि ये इधर भी एक जो वेरिएबल b है वो एक्सप्रेशन 5 माइनस a के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, यानी कि ये टर्म से ये टर्म को सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए पहला वाला क्या रहेगा, पहला वाला रहेगा ये, यानी कि यू कैन राइट हियर b होल इनटू 5 माइनस a माइनस a होल इनटू b माइनस 5। तो पहले हमको क्या करना है, हमको इधर मल्टीप्लाई करना है, b को 5 माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को b माइनस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए b इंटू 5 यानी कि 5b प्लस माइनस माइनस b इंटू a ए बी माइनस प्लस, इधर भी ये a a का जो लेफ्ट साइड में साइन क्या रहा है माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस a इंटू बी ए बी माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू ए 5a। नेक्स्ट 5a, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि इसको आप सजा के थोड़ा लिखिए, माइनस ए बी माइनस ए बी, देखिए माइनस ए बी माइनस ए बी, पहले आप ये सोचिए ए बी का जो कोफिशियंट वो क्या है माइनस वन, इसका भी कोफिशियंट क्या है माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन ये मिला के क्या हो जाएगा हाँ माइनस टू, बाद में क्या लिखेंगे ए बी, सो माइनस ए बी और माइनस ए बी ये क्या हो जाएगा आपका माइनस टू ए बी। इधर लिखिए माइनस टू ए बी प्लस, अब क्या रहा 5b, ये 5b तो पहले मैंने लिख दिया था, अब रहेगा 5b, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब b की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जो b का दिया गया है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो पहले हम किसको लिखना है, इसको लिखना है, तो दैट इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8 माइनस ब्रैकेट दीजिए, एक एक्सप्रेशन है माइनस एम स्क्वायर प्लस 5mn दैट इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8 माइनस इनटू माइनस प्लस एम स्क्वायर माइनस इनटू प्लस माइनस 5mn। ये ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद आपका काम क्या है कि आपको जो लाइक टर्म्स जो दिखाई देता है उसको आप कंबाइन करना है। लाइक टर्म किधर, इधर देखिए 4m स्क्वायर का लाइक टर्म कौन सा है ये राइट, देन माइनस 3mn का लाइक टर्म क्या है माइनस 5mn, बाद में आप प्लस 8 को लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा 4 प्लस 1 यानी कि 5 5m स्क्वायर माइनस 3mn माइनस 5mn माइनस 8mn प्लस 8 माइनस 3 माइनस 5 ये मिला के माइनस 8 हो जाएगा, तो जो वेरिएबल रहता है आपका mn उसके बाद मैंne लिख दिया, तो माइनस 8mn प्लस 8 दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब भी एक और बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, एक एक्सप्रेशन है जो कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 लिखा है, उसके बाद और एक दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है 5x माइनस 10, तो पहले आपको क्या लिखना है 5x माइनस 10 को, तो सिंपली आप लिख दीजिए 5x माइनस 10 माइनस क्या होगा ये एक्सप्रेशन को आप लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस
फाइव, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5x माइनस 10 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 10x माइनस इंटू माइनस प्लस 5। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद आपको जो लाइक टर्म है उनको कॉम्बाइन करना है। तो ये रहा 5x का लाइक टर्म क्या है, माइनस 10x। 5x माइनस 10x माइनस 10 का होगा प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों, इसका कुछ लाइक टर्म इधर नहीं मिल रहा है, जिस वजह से मैंने यहां पर लिखा 5x माइनस 10 मतलब 5 माइनस 10 मतलब क्या होगा, माइनस 5x माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप ऑर्डर जो डिग्री वाइज हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिग्री किसका बड़ा है, डिग्री x का बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर भी डबल आई और बढ़ते हैं। अब भी डबल आई क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, आपके सामने जो एनसीईआरटी बुक है वो भी देख सकते हैं आप। इधर क्वेश्चन वो सही से जो स्क्रीन पे मैंने लिखा हूं वो इस तरह की है, 5b स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर को सब्ट्रैक्शन करना है किससे, 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। आज यूजुअल अब पहले से जिस तरह की किए थे अब ये भी उस तरह की हो गया। नेक्स्ट ये आप इधर लिखिए 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, अब ब्रैकेट देना चाहिए। तो ब्रैकेट देने का मकसद क्या है कि जब ब्रैकेट से पहला अगर आप प्लस साइन दे रहे हो तो जब ओपन होगा तो ये सिंबल एक्सप्रेशन का जो टर्म रहते हैं एक्सप्रेशन के अंदर उसका साइन चेंज नहीं होगा, पर जब ब्रैकेट से पहला आपको माइनस सिंबल दिखाई देता है तो जब ओपन अप कर रहे हो तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस ऑफ 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर, 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। देखिए 5a स्क्वायर का सिंबल क्या था, प्लस, अब ब्रैकेट ओपन कर देने के बाद वो माइनस हो जाता है। माइनस 5b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 5b स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। तो लाइक टर्म किसका क्या है, 3ab का कहा, ये है देखिए 3ab प्लस 7ab। अब ये माइनस 2a स्क्वायर का कौन सा है, ये माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 2b स्क्वायर का माइनस 5b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3ab प्लस 7ab 10ab माइनस 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 7a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7b स्क्वायर। पावर के हिसाब से सजा कर लिखना है, माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर प्लस 10ab, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अब भी ट्रिपल आई की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो पहला जो एक्सप्रेशन रहता है ना, ये पहला हम लिखेंगे एज यूजुअल 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq माइनस 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq माइनस 4pq माइनस इंटू माइनस प्लस 5pq स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3p स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम क्या है, टू अरेंज लाइक टर्म्स। अब नेक्स्ट काम क्या है कि जो लाइक टर्म होता है ना उसको कंबाइन करके लिखना है। तो इधर क्या रहा, 5p स्क्वायर, इधर भी 3p स्क्वायर, एक लाइक टर्म दोनों को बोलते हैं हम। तो 5p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर, नेक्स्ट 3q स्क्वायर का लाइक टर्म कौन सा है, ये वाला, प्लस 3q स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस pq माइनस 4q माइनस pq माइनस 4pq, हो गया 5
प्लस थ्री, एट पी स्क्वायर, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फाइव पी क्यू स्क्वायर, एट क्यू स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव पी क्यू, ये हो गया आपका आंसर। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, आपको लाइक टर्म्स को कंबाइन करके उसका जो एडिशन या कि जो कि इंटीजर में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे थे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इस तरह की, वो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, 3 प्लस 5 8, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है,